142 के भाव पे, तो ये क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं मुझे जी। रेलटेल 142 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। यहाँ पे भी नुकसान बुक करें या फिर होल्ड करना चाहिए? देखिए बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह देंगे। देखिए वो स्टॉक्स हमें चूज करने चाहिए कि जो स्टॉक्स में मार्केट के हिसाब से रैली देखने को मिले। अगर मार्केट करेक्शन दिखा रहा है और स्टॉक में भी करेक्शन आ रही है, अच्छी बात है। अगर मार्केट के रिवर्सल पे स्टॉक भी रिवर्स होना चाहिए तो इसका मतलब स्टॉक हमने सही चुना है। और आप देखिए मार्केट में कहीं भी बाउंस बैक आ रहा है तो रेलटेल कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बढ़िया डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है। तो जो भी चार्ट बने हुए हैं यहाँ से भी और करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 85 यहाँ से लोअर साइड में पहला टारगेट होगा, 85 भी नहीं संभला तो 80 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। चार्ट जिस तरह से प्लेस है वरुण जी, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह देंगे। चलिए तो 85 से 80 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। लेकिन एक खबर आ रही है 142 के भाव पे, तो ये क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं मुझे जी। रेलटेल 142 के भाव पे इन्होंने खरीदे हैं।